अगर आपकी स्किन डार्क है और आप अपनी स्किन को लाइट और ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरह होम इंग्रेडिएंट की मदद से इंस्टेंटली आप अपनी स्किन को लाइट और ब्राइट बना सकते हैं। शादी या पार्टी पर जाने से पहले अगर आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर ले तो यकीन माने आपकी स्किन इंस्टेंटली लाइट और ब्राइट हो जाएगी और आपको कोई और प्रोडक्ट या मेकअप वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यूअर्स चलिए बनाते हैं अपनी आज की ये अमेजिंग सी रेमेडी। तो व्यूअर्स आज की अमेजिंग सी रेमेडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लीन बाउल की जरूरत होगी। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना होगा 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होगा बलाई, जो आपके घर में दूध उबालने के बाद आपके दूध पर जो बलाई आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बाजार वाली बलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहां पर लेना होगा 1 टेबलस्पून बलाई। उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है तिब्बत स्नो क्रीम। ये भी आपको मार्केट से बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं 1 टेबलस्पून तिब्बत स्नो क्रीम का। उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है टमाटो। यहां पर टमाटो का जूस या टमाटर का पल्प आप ले सकते हैं, वो भी 1 टेबलस्पून या हाफ कटा हुआ टमाटर का पल्प ले लें। इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन को फेयर करने में मदद देती है। तो यहां पर मैं लेने वाला हूं 1/2 टेबलस्पून पल्प यानी कि हाफ कटे हुए टमाटर का पल्प। उसके बाद अब करते हैं इसे हम अच्छी तरह से मिक्सअप। जब तक मैं इसे मिक्सअप करता हूं आप दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया है मिक्सअप। ये खूबसूरत सा फेस पैक रेडी हो चुका है। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसे ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इस फेस पैक को आपने अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। आपने इसे 15 से 25 मिनट तक अपने फेस पर लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। 25 मिनट तक जैसे ही ये खुश्क हो तो उसे आपने नॉर्मल वाटर से धो लेना है। आप देखेंगे कि आपके चेहरे से तमाम मैल कुचैल उतर जाएगी, आपकी स्किन के अंदर एक अनोखा सा निखार पैदा होगा, एक अनोखा सा ग्लो पैदा होगा जो आपकी खूबसूरती को और भी नुमाया करेगा। तो व्यूअर्स अगर आप किसी शादी या किसी पार्टी पर जाने से पहले इस फेस पैक को अप्लाई करते हैं तो यकीन माने आपकी वो डार्क स्किन इतना ज्यादा लाइट और ब्राइट नजर आएगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये होम रेमेडी जो कि स्किन वाइटनिंग के हवाले से थी, आई होप जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आने वाले हैं तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। तो व्यूअर्स फिलहाल तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।